जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस 2021 के शेरशाह बैच का आज रहेगा डे नंबर 3। इससे पहले हमने आईटी सीजेड कवर किया, क्रियोलिस फोर्स कवर किया, चेंज ऑफ सीजन के बारे में देखा, डे और नाइट में कैसे डिफरेंस आता है उसके बारे में देखा, समर सॉलिस्टिस विंटर सॉलिस्टिस के बारे में देखा, इसके अलावा हेडली सेल फेरल सेल पोलर सेल के बारे में देखा, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में देखा, यानी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हम देख चुके हैं। आज डे 3 रहेगा, आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ताकि आपका बेस जो है बिल्कुल मजबूत हो जाए और इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो चलिए, रात्रि के बज चुके हैं 8 और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, रोज़ रात को 8 बजे यहाँ पर आपको CDS का लेक्चर देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को दोबारा से याद दिलवा देना चाहता हूँ कि नीचे कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि कल मैंने आपको बोला नहीं था, भूल गया था वीडियो में बोलना, तो आपके जो कमेंट हैं कितने ज़्यादा कम हो गए हैं। जब तक आप लगातार कमेंट करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, वीडियो को शेयर करते रहते हैं, मोटिवेशन यहाँ पर बनी रहती है। वीडियो लेक्चर में जो भी चीज़ें कवर करेंगे उसके रिलेटेड आपको MCQ देखने को मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इसे ज्वाइन जरूर कर देना। इसके अलावा CDS रिलेटेड टेस्ट सीरीज लेनी हो या फिर अन्य मटेरियल चाहिए हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डे 3। आज हम कवर करेंगे जेट स्ट्रीम्स के बारे में। जेट स्ट्रीम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इस वीडियो के लास्ट तक आप पहुंच जाएंगे ना तो आपको इसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले रिकॉल करिए कि हमने 3 सेल्स को पढ़ा था। यहाँ पर आपका कौन सा सेल था? हेडली सेल। यहाँ पर आपका कौन सा सेल था? फेरल सेल। यहाँ पर आपका कौन सा सेल था? पोलर सेल था। इतना तो आप सभी को पता है। इसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ पर आपका ट्रोपोपॉज रहता है, और जो आपका ट्रोपोपॉज है उसकी हाइट इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है, पोल्स के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा कम रहती है। इतना भी आप सभी को मालूम है, पता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारी जेट स्ट्रीम्स होती हैं इनकी फॉर्मेशन होगी जो हमारी 3 सेल हैं उनके जंक्शन के ऊपर। जैसे ये हमारा हेडली सेल है, ये हमारा फेरल सेल है, इन दोनों के जंक्शन के ऊपर जेट स्ट्रीम बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपका फेरल सेल है, यहाँ पर आपका पोलर सेल है, इन दोनों के जंक्शंस के ऊपर आपकी क्या बनेगी? जेट स्ट्रीम बनेगी। ध्यान देने वाली बात है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी जेट स्ट्रीम्स हैं उनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? इनकी फॉर्मेशन होती है जो हमारी 3 सेल्स हैं। 3 सेल्स कौन से? हेडली सेल है, फेरल सेल है, पोलर सेल है, उनके जंक्शंस के ऊपर। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो हमारी जेट स्ट्रीम्स होती हैं इनकी हाइट क्या होती है? देखिए, एक जंक्शन जो है आपका लगभग 30 डिग्री के आसपास होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हेडली सेल 0 से 30 डिग्री तक देखने को मिलता है, देन फेरल सेल 30 से 60, देन पोलर सेल 60 से 90, यानी कि एक जेट स्ट्रीम जो है लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास देखने को मिलेगी, एंड एक जेट स्ट्रीम जो है आपकी 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो आपकी जेट स्ट्रीम है इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट आपकी डिपेंड करेगी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, क्योंकि ट्रोपोपॉज के पास ही यहां पर आपकी जेट स्ट्रीम बनती है, और ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है वेरी करती है 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक। कई जगह पर आपको 6 किलोमीटर से 16 या 7 किलोमीटर से 16 देखा हुआ भी मिलेगा, मतलब एक आधा किलोमीटर जो है ऊपर नीचे चलता है। लेकिन जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है इसकी मैक्सिमम हाइट आपको देखने को मिलेगी इक्वेटर के पास में, जो लगभग 15 किलोमीटर के पास में होती है। यहाँ पर जो हमारी जेट स्ट्रीम्स बन रही हैं लगभग 30 डिग्री के पास में बन रही हैं, 60 डिग्री के पास में बन रही हैं, तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं उसकी हाइट लगभग होगी 8 किलोमीटर से 11 किलोमीटर के बीच में। देखिए, यहाँ पर हाइट सबसे ज़्यादा है ट्रोपोस्फेयर की, यहाँ पर हाइट जो है कंपैरेटिवली आपकी कम हो जाएगी। इसी वजह से जो हमारी जेट स्ट्रीम्स रहती है ना, इनकी हाइट आपको जनरली देखने को मिलेगी 8 किलोमीटर से
11 किलोमीटर के बीच में। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वहां पर हो सकता है लिखा हो कि 15 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर तक, तो इतना डिफरेंस जहां पर भी होगा आपको अंदाजा लग जाएगा। इसके अलावा यहां पर जो हमारा पोलर सेल होता है, फेरल सेल होता है, इनके बीच में जो हमारी जेट स्ट्रीम बनती है ना, उसे हम कहते हैं पोलर जेट स्ट्रीम, यानी जो आपकी 60 डिग्री के पास में बनती है। इसके अलावा जो हमारी हेडली सेल और फेरल सेल के बीच में जेट स्ट्रीम बनती है, इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। देखिए आपका जो ट्रॉपिकल एरिया होता है ना, जैसे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आपका ट्रॉपिकल एरिया हो गया। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे साउथ में और नॉर्थ में जो एरिया हमारा साथ साथ लगता है ना, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल कहते हैं। जैसे आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपका कहाँ पर है, 23.5 डिग्री के ऊपर है। अभी 23.5 डिग्री के ऊपर वाला जो एरिया इसके साथ साथ लगेगा, यानी 35 डिग्री तक या लगभग 40 डिग्री तक, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, सब ट्रॉपिकल कहेंगे। इसी वजह से यहाँ पर जो आपकी जेट स्ट्रीम बन रही है, जो लगभग 30 डिग्री के पास में बन रही है, इसे हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, जैसे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके ऊपर वाला एरिया जो उसके साथ में लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। और यहां पर इस जेट स्ट्रीम को क्या कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अभी जो हमारी जेट स्ट्रीम्स होती हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसे समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया जेट स्ट्रीम्स की फॉर्मेशन होगी हमारी जंक्शंस के ऊपर। अभी यहां पर इस साइड से भी आपकी हवा आ रही है, इस साइड से भी आपकी हवा आ रही है, ये दोनों हवा जो है यहां पर कन्वर्ज करना चाहती हैं। देखिए यहां पर तो फिगर में हमने बाउंड्रीज कितने अच्छे से दिखाई होती हैं कि इधर से भी हवाई ये नीचे की तरफ बैठ गई, इधर से भी हवाई ये नीचे की तरफ बैठ गई, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हवा की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती हैं। अभी यहां पर नोटिस करिए, जो हवा आपकी इक्वेटर की तरफ से आ रही है ये कंपैरेटिवली गर्म होगी, अभी ये हवा जो दूसरी तरफ से आ रही है ये कंपैरेटिवली कोल्ड होगी। इतना तो आपको समझ में आता है ना कि जो हवा आपकी इक्वेटर की तरफ से आएगी वो कंपैरेटिवली आपकी वार्म होगी, और जो हवा हमारी दूसरी तरफ से आएगी 60 डिग्री की तरफ से आएगी वो कंपैरेटिवली कोल्ड होगी। अभी देखिए एक हवा आपकी वार्म है, एक हमारी कोल्ड है, यानी दोनों के बीच में आपका क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, और जहां पर भी आपका टेम्परेचर का डिफरेंस आता है वहां पर आपका प्रेशर का भी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर जो है आपके डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो प्रेशर में भी डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से एक हवा आपकी स्ट्रांग होगी, एक हवा आपकी वीक हो जाएगी। जनरली जो आपकी कोल्ड एयर होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, और जो आपकी वार्म एयर होती है वो हल्की होती है, वो कंपैरेटिवली रहती है वीक। अभी यहाँ पर होगा क्या, इस तरफ से आपकी हवाई, इस तरफ से आपकी हवाई दोनों ही नीचे की तरफ बैठना चाहती हैं, लेकिन नीचे बैठेगा कौन, वो बंदा बैठेगा जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर स्ट्रांग वाला बंदा नीचे बैठ गया, जो आपका वीक वाला बंदा होगा वो ऊपर उतनी देर के लिए फंस कर रह जाएगा। जैसे सपोज करिए इधर से आपकी हवाई है, इधर से आपकी हवाई, ये हवा जो है आपकी कोल्ड है, ये हवा जो है आपकी वार्म है, कोल्ड एयर जो है आपकी कंपैरेटिवली स्ट्रांग रहती है, हैवी रहती है, इसी वजह से ये नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देगी। अब ये तो नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देगी, जब तक ये नीचे बैठ रही है ये जो हमारी वार्म वाली एयर है नीचे बैठ नहीं पाएगी, जिसकी वजह से एक एयर मास जो है यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि हवा जो है हमारी ट्रोपोपॉज से ऊपर नहीं जाती। दोबारा से समझिए, जहाँ पर हमारी हवाएं जो हैं कन्वर्ज कर रही हैं वहाँ पर क्या होता है, आपका एक एयर मास ट्रैप हो जाता है। एयर मास यहाँ पर ट्रैप कैसे हो जाता है, देखिए यहाँ से आपकी हवाई, यहाँ से हवा आएगी कंपैरेटिवली वार्म, वार्म एयर जो है आपकी कंपैरेटिवली वीक होती है, यहाँ से आएगी आपकी कोल्ड एयर, कोल्ड एयर जो है आपकी कंपैरेटिवली स्ट्रांग होती है, और जो बंदा स्ट्रांग होता है वो बंदा जल्दी बैठ जाएगा नीचे, क्योंकि वो ताकतवर है, ये बैठ जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन जब तक ये नीचे की तरफ बैठेगा ये वार्म एयर को नीचे बैठने
नहीं देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ फंस जाएगी, एयर मास जो है यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है जेट स्ट्रीम की। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर आपकी हवाएं जो हैं कन्वर्ज कर रही थी, कन्वर्ज करने की वजह से जो हवा जो है हमारी हैवी होती है, पावरफुल होती है, स्ट्रांग होती है, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से वो पहले नीचे बैठ जाती है, उतनी देर तक दूसरी हवा नीचे नहीं बैठ पाती है और वो ट्रैप हो जाती है ट्रोपोपॉज के पास, क्योंकि ट्रोपोपॉज के ऊपर आपकी हवा नहीं जा सकती। इसकी वजह से फॉर्मेशन होती है आपकी जेट स्ट्रीम की। अभी जेट स्ट्रीम की फॉर्मेशन कैसे होती है ये आप सभी को पता चल गया है। जेट स्ट्रीम की फॉर्मेशन होती है हमारे जंक्शंस के ऊपर। हाइट इसकी क्या थी? हाइट रहती है लगभग 8 से 11 किलोमीटर तक। किस वजह से होती है? क्योंकि यहाँ पर आपका एयर मास ट्रैप कर जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी आपकी हवा की कन्वर्जेंस होगी, डाइवर्जेंस होगी, उनके बीच में टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से एक हवा जो है ताकतवर होगी वो उतनी देर तक दूसरी हवा को वहां से जाने नहीं देगी, जिसकी वजह से वहां पर ट्रोपोपॉज के पास में आपका एयर मास जो है ट्रैप हो जाता है। सेम आपको देखने को मिलेगा पोलर जेट स्ट्रीम के केस में भी। यहां पर भी क्या होता है? यहां पर भी आपकी हवा जो है ऊपर की तरफ जाएगी, ये हवा जो है कंपैरेटिवली कोल्ड है, ये आपकी ताकतवर है, ये आपकी जो 30 डिग्री से हवा आ रही है कंपैरेटिवली वार्म है, वार्म एयर, और यहां पर जो कंपैरेटिवली कोल्ड एयर है यहां पर नहीं फंस सकती, क्योंकि ट्रोपोपॉज तक आपकी हवा जो है जा सकती है, दोनों हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी। लेकिन जैसे ही यहां पर हवा जो है डाइवर्ज होना स्टार्ट करेगी, यहां पर वही बंदा पहले डाइवर्ज होगा, वही बंदा अपनी डायरेक्शन में पहले जा पाएगा जो आपका पावरफुल होगा, और दूसरा बंदा जो है यहां पर फंस जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर एयर मास आपका ट्रैप करता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है हमारी जेट स्ट्रीम की। अभी ये क्या है? हमारी विंड्स हैं। अगर यहां पर एयर मास ट्रैप हो भी गया, तो एयर मास ट्रैप होने के बाद ये हवाएं चलती कैसे हैं? ये इतनी ज्यादा पावरफुल हवाएं चलती कैसी हैं? देखिए, यहां पर जब आपका एयर मास ट्रैप करता है तो यहां पर काम करती है करियोलिस फोर्स। करियोलिस फोर्स की वजह से यहां पर जो आपका एयर मास ट्रैप हुआ है ये आपका घूमना शुरू कर देता है। घूमना शुरू करने की वजह से यहां पर फॉर्मेशन होती है जेट स्ट्रीम की। तो अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जहां पर आपकी हवा कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस होता है, वहां पर ट्रोपोपॉज के पास में एयर मास ट्रैप करता है करियोलिस फोर्स की वजह से, वो एयर मास जो है आपका घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है जेट स्ट्रीम की। अभी जो आपकी करियोलिस फोर्स होती है ना, इक्वेटर के पास होती है जीरो, पोल्स के पास होती है मैक्सिमम। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते रहेंगे करियोलिस फोर्स जो है बढ़ती रहती है। इक्वेटर के ऊपर होती है मिनिमम, पोल्स के ऊपर यहां पर आपकी करियोलिस फोर्स होती है मैक्सिमम। अभी देखिए, इसी वजह से जो आपकी पोलर जेट स्ट्रीम है ये आपकी ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहां पर आपकी करियोलिस फोर्स जो है ज्यादा लगती है। यहां पर आप सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को देख सकते हैं, इसका सर्कल जो है काफी ज्यादा छोटा है, रीजन बीइंग कि करियोलिस फोर्स जो है यहां पर 30 डिग्री के पास में कम होती है। करियोलिस फोर्स आपकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। तो ध्यान में रखना, जो आपकी पोलर जेट स्ट्रीम है ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रांग है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है कंपैरेटिवली वीक रहती है। अभी जो हमारी जेट स्ट्रीम्स होती है ना, इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग नैरो फास्ट मूविंग विंड्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि क्या जो हमारी जेट स्ट्रीम्स हैं ये क्या फास्ट मूविंग विंड्स होती हैं, बिल्कुल फास्ट मूविंग विंड्स होती हैं। लॉन्ग नैरो इस वजह से क्योंकि जो हमारी जेट स्ट्रीम्स होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं लेकिन वाइड नहीं होती, यानी ये जो आपकी हवा चलती है ना, स्ट्रीम चलती है एक फास्ट मूविंग विंड की, ये इतनी ज़्यादा वाइड नहीं होती है, ये नैरो होती है। इसके अलावा लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, लॉन्ग नैरो फास्ट मूविंग विंड्स। इसके अलावा जो आपके एरोप्लेन होती है ना, उनके लिए जेट स्ट्रीम जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि अगर जेट स्ट्रीम्स के डायरेक्शन में हमारे एरोप्लेन चलते हैं तो वो अपना सफ़र भी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं और उनकी फ्यूल की कंजम्पशन भी कम होती है। इसके विपरीत
अगर वो जेट स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फास्ट मूविंग विंड्स होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हादसे का खतरा भी रहता है। तो ध्यान में रखना, जो हमारी जेट स्ट्रीम्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरोप्लेन्स के लिए। अगर इसी डायरेक्शन में चलेंगे, जिस डायरेक्शन में आपकी जेट स्ट्रीम चल रही है, आपका सफ़र भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फ्यूल की कंजम्पशन भी कम होगी। इसके विपरीत अगर उल्टा चलेंगे तो यहाँ पर हादसे का भी डर रहता है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। अभी हम देख लेते हैं पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को हमारे ग्लोब के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको लंबी सी पट्टी एक नज़र आ रही है जिसकी विड्थ जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी नैरो है। इसी वजह से अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारी जेट स्ट्रीम रहती है लॉन्ग नैरो फास्ट मूविंग विंड रहती है। इसके अलावा जो हमारी ग्लोबल जेट स्ट्रीम्स हैं इनकी डायरेक्शन क्या होती है, इनकी डायरेक्शन होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेकिन ये डायरेक्शन जो है आपकी फिक्स नहीं रहती, क्योंकि ग्लोबल जेट स्ट्रीम्स के अलावा हमारी कुछ लोकल जेट स्ट्रीम्स भी होती है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जनरली जेट स्ट्रीम्स की क्या डायरेक्शन रहती है, तो जनरली डायरेक्शन रहती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेकिन ये आपका यूनिवर्सल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नदरन हेमिस्फेयर में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम, सदरन हेमिस्फेयर में भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एंड यहाँ पर पोलर जेट स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारी जेट स्ट्रीम्स रहती है ना, ये हमारी मेंडरिंग करती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जेट स्ट्रीम जो है सीधा फ्लो नहीं कर रही एक ही डायरेक्शन में, ये फ्लो कर रही है कुछ इस तरह से, और इस तरह से जब आपकी कोई चीज़ चलती है ना ज़िगज़ैग मोशन में, इसे कहते हैं मीएंडर करना। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो आपकी हवा चल रही है, जेट स्ट्रीम चल रही है, ये मीएंडरिंग करते हुए चल रही है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, जेट स्ट्रीम की जो मूवमेंट होती है वेस्ट से ईस्ट होती है, और ये होती है हमारी ज़िगज़ैग मोशन में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में। देखिए, जो हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे इंडियन मानसून के साथ। अभी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलवा देना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है सोशल मीडिया ग्रुप हैंडल्स में, कमेंट नीचे नहीं किया है, तो पहले वो कर दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड का काम है, उसके बाद में आगे चलिए। देखिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 500 बंदे भी जुड़े हुए हैं ना, तो 500 लाइक आने चाहिए, 500 कमेंट आने चाहिए, तब पता चलता है कि कोई बंदा आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप कमेंट नहीं करते तो वो नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा कम रह जाता है। अभी हम बात करेंगे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में। देखिए, हमने पोलर जेट स्ट्रीम देखा, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम देखा, ये आपकी क्या थी, ग्लोबल जेट स्ट्रीम्स थी। क्या थी? ग्लोबल जेट स्ट्रीम थी। लेकिन यहाँ पर जो आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, ये आपकी क्या है, लोकल जेट स्ट्रीम है। लोकल जेट स्ट्रीम का मतलब ये आपको लोकल किसी कंट्री के लेवल पर, किसी एक जगह के लेवल पर देखने को मिलती है, जबकि जो आपकी ग्लोबल जेट स्ट्रीम थी पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर देखने को मिल रही थी। इसी वजह से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ना आपकी, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है तिप्तन प्लेट्यू से। तो यहाँ पर एनालाइज करिए, यहाँ पर आपका तिप्तन प्लेट्यू है। जब आपका गर्मियों का मौसम आता है, जब आपका जून जुलाई का मंथ आता है, तो यहाँ पर जो आपका तिप्तन प्लेट्यू है ना, काफ़ी ज़्यादा तपना स्टार्ट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से इसे हम हॉट पैन भी कहते हैं। अभी देखिए, अगर यहाँ पर आपका तिब्बतन प्लेट्यू काफ़ी ज़्यादा तपना स्टार्ट हो जाएगा, इसके तपने की वजह से यहाँ पर जो हवा होगी, हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और आपको पता है जो आपकी गर्म हवा होती है वो लाइट होती है, और लाइट हवा आपकी क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। अभी यहाँ पर क्या होगा, तिब्बतन प्लेट्यू आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है, जिसकी वजह से वहाँ की हवा जो है ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेगी, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर 30 डिग्री के पास में आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी चल रही है, उसकी चपेट में आ जाती है
ये वाली हवा जो टिप्टन प्लेट्यू से ऊपर की तरफ आती है। अभी जो आपकी जेट स्ट्रीम है ये फास्ट मूविंग विंड है, और जैसे ही यहाँ से जो नीचे की तरफ से हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, जो हमारी जेट स्ट्रीम के कब्जे में आ जाएगी, चपेट में आ जाएगी, उसके बाद में ये जो हवा है घूमना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि फास्ट मूविंग विंड है। अब ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर कोई आपका साइकिल टकरा जाएगा ट्रक के साथ तो क्या होगा, आपका जो साइकिल होगा उड़ना शुरू कर देगा। उसी तरह से यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चल रही है उसकी चपेट में ये गर्म हवा आ जाती है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है चलना शुरू कर देती है, कुछ इस तरह से हर एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन इसका मेजर रोल रहता है, जो हवा यहाँ से टकराने के बाद हमारे अरेबियन सी में सिंक होती है वहां पर। अभी यहाँ पर जो हवा हमारी तिब्बतन प्लेट्यू से अरेबियन सी की तरफ आती है, इसका महत्व किस वजह से है, देखिए भारत में जब समर सीजन होगा तो भारत में क्या कंडीशंस होंगी, मैंने आपको बताया है लैंड आपका जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, पानी जो है आपका धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। अभी जब भारत में गर्मियां होंगी तो लैंड आपका जल्दी तप जाएगा, लैंड जो है आपका जल्दी गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा लैंड मास के ऊपर, पानी जो है आपका धीरे धीरे तपता है, धीरे धीरे गर्म होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। आपको पता है लो प्रेशर आपका वहीं पर बनता है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, जहाँ पर वार्म एयर ज़्यादा है। तो भारत में समर सीजन के टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, वाटर बॉडीज के ऊपर आपका क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। अभी यहाँ से हवाएं जो हैं लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, क्योंकि हवा हमारी मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, बीच में आपकी वाटर बॉडी है, यहाँ से हवा जो है मॉइस्चर उठाकर लेकर जाएंगी, जिसकी वजह से जब ये भारत के अंदर एंटर करती है तो भारत में आपका मॉनसून भी आता है, भारत में आपकी बारिशें भी आती हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का क्या रोल है, जेट स्ट्रीम आपकी होती है पावरफुल, और जेट स्ट्रीम की जो धारा यहाँ पर अरेबियन सी में सिंक करती है ना, वो यहाँ पर जो आपकी हाई प्रेशर वाली विंड्स होंगी उनको धक्का लगाएंगी कि वो और ज़्यादा पावर के साथ भारत के अंदर एंटर करें। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, हाई प्रेशर से विंड्स जो हैं अंदर की तरफ जा रही हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की जो धाराएं हमारी अरेबियन सी में सिंक करना स्टार्ट करती हैं वो इन हवाओं को पुश करती हैं कि ये और ज़्यादा तेज़ी से भारत के अंदर जाएं, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो है ज़्यादा बारिशें होती हैं। अभी देखिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने पिछले काफ़ी वर्षों में इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर लिया है कि तिब्बतन प्लेट्यू का गर्म होना और भारत का मानसून, इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। यानी जितना ज़्यादा गर्म आपका तिब्बतन प्लेट्यू होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भारत में मानसून आएगा, उतनी ज़्यादा बारिशें भारत में देखने को मिलेंगी। अगर आपका तिब्बतन प्लेट्यू कम गर्म होगा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है कम फोर्सफुली घूमेगी, जिसकी वजह से भारत में जो मानसून है वो वीक हो जाता है। तो ध्यान रखना, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का सीधा सीधा रिलेशन है इंडियन मानसून के साथ। जितना ज़्यादा तिब्बतन प्लेट्यू आपका गर्म होगा उतनी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होगी, उतना ज़्यादा मानसून भारत में देखने को मिलेगा, उतनी ज़्यादा बारिशें भारत में देखने को मिलेंगी। अगर तिब्बतन प्लेट्यू हमारा उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, कम गर्म होता है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपकी वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से इंडियन मानसून भी आपका वीक हो जाएगा। अभी आपको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। हमने ग्लोबल जेट स्ट्रीम्स के बारे में भी देखा, ग्लोबल जेट स्ट्रीम्स में दो हमारी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम था, पोलर जेट स्ट्रीम था, जिसमें आपकी जो पोलर जेट स्ट्रीम थी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्रियोलिस फोर्स जो है आपकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जेट स्ट्रीम की फॉर्मेशन में किसका इम्पैक्ट था, सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस ज़रूरी था, प्रेशर डिफरेंस ज़रूरी था, जिसकी वजह से हवा जब आपकी कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रही थी वहाँ पर हमारी जेट स्ट्रीम्स की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही थी। जेट स्ट्रीम आपकी होती क्या है, लॉन्ग नैरो फास्ट मूविंग विंड्स होती है, जहाँ पर आपका एयर मास जो है ट्रैप कर जाता है। कितनी हाइट पर आपको देखने को मिला,
8 से 11 किलोमीटर की हाइट के ऊपर। इसके अलावा जो आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी, ये आपकी क्या थी, लोकल जेट स्ट्रीम थी। अभी आपको जेट स्ट्रीम समझ में आ गया, आपको ITCZ समझ में आ गया, आपका आधा काम जो है इंडियन मानसून का हो चुका है। अभी आपको इंडियन मानसून समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किस तरह से भारत में मानसून आता है, किस तरह से भारत से मानसून जाता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा जेट स्ट्रीम के ऊपर क्विज मैं पूछूंगा अभी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर क्विज पूछूंगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा आपका लेक्चर आपको समझ में आया है या नहीं आया। इसके अलावा CDS की टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च हो चुकी है, मस्ट रिकमेंड है आप सभी के लिए कि CDS की टेस्ट सीरीज ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि जब तक आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व नहीं करते हैं आपको अपनी इम्प्रूवमेंट का पता नहीं चलता है। टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नाम से, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ कल 8 बजे। जय हिंद।